गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। दिस इज मी वर्षा गाइज। टूडेज मेकअप लुक इज बोल्ड ग्लैमरस पार्टी मेकअप लुक। जैसे कि आप लोग को पता है अभी शादियों का सीजन चल रहा है, आप अगर रेड येलो ऑरेंज साड़ी पहन पहन के थक चुके हो और अपना लुक को टर्न आउट करना चाहते हो, तो डिफरेंट ट्राई करना चाहते हो, देन ये वीडियो आपके लिए है। मैंने लिया है नेट की साड़ी, ये मेरी मॉम की साड़ी है और उसके साथ मैंने ये पिंक कलर का कॉन्ट्रास्ट ब्लाउज पेयर किया है। ये मेरा ब्लाउज है और आप लोग देख ही सकते हो, मैं सबसे पहले कर रही हूँ स्किन को प्रेप। उसके लिए मैंने लिया टोनर। टोनर अप्लाई करने के 2 मिनट बाद मैंने लिया सिटाफिल का मॉइस्चराइजर। इसे मैं फेस टू नेक में अच्छे से अप्लाई कर लूँगी अपने हाथों के हेल्प से। गाइस, आपको अगर नेट का साड़ी पहनने में अनकंफर्टेबल होता है, आपको ज़्यादा रिवलिंग लगता है, तो फिर आप सैटिन का साड़ी भी पहन सकते हो, कैरी कर सकते हो। फिर मैंने लिया है लिप बाम। ये बहुत इजी मेकअप है, आपको अगर मेकअप से रिलेटेड थोड़ा बहुत भी नॉलेज है तो फिर आप ये लुक ज़रूर अचीव कर सकते हो। उसके बाद मैंने लिया लैक्मे का ब्लर परफेक्ट प्राइमर। इसे मैं टी जोन में अप्लाई कर लूँगी। 2 मिनट के लिए मैं छोड़ दूँगी प्राइमर को। आफ्टर 2 मिनट बाद मैंने लिया एलेगल का कंसीलर एंड करेक्टर शेड। दोनों को मिक्स करके मैंने कलर करेक्शन की हूँ फिंगर के हेल्प से डैब डैब करके, क्योंकि मेरा डार्क सर्कल उतने डार्क नहीं है। अगर आपका डार्क सर्कल बहुत डार्क है या फिर ग्रे शेड का है, तो फिर आप ऑरेंज कलर करेक्टर को डायरेक्ट अप्लाई करें एंड देन अपने शेड से डार्क शेड कंसीलर अप्लाई करें, देन फाउंडेशन अप्लाई करें। अगर आपका डार्क स्पॉट है तो आप ग्रीन कलर करेक्शन अप्लाई करें स्पॉट में। बहुत इजीली अप्लाई हो जाता है, आप चाहे तो ब्रश, स्पंज या फिर फिंगर के हेल्प से। मुझे लगता है फिंगर के हेल्प से बहुत ईजी रहता है। फिर मैंने लिया एले गर्ल का SD प्रो फुल कवरेज फाउंडेशन। इसे मैं फिंगर के हेल्प से डॉट डॉट करके फेस टू नेक में अप्लाई की हूँ और ये PSC का कबूकी ब्रश से उसे ब्लेंड कर ले रही हूँ। बहुत ईजिली ब्लेंड हो जाता है, ज़्यादा टाइम भी कंज्यूम नहीं करता। अगर आपका ड्राई स्किन है तो मैं हाईली रिकमेंड करूँगी कि आप इसे परचेज कर सकते हो। ये फुल कवरेज के साथ आपको ड्यूई लुक भी देता है। नेक में भी मैंने ब्लेंड कर ली हूँ अच्छे से, आप लोग देख ही सकते हो मुझे एक सीमलेस लुक अचीव हुआ है। फिर मैंने लिया एले गर्ल का SD प्रो कंसीलर। इससे मैं अपना अंडर आई, नोज ब्रिज, चेन, क्यूपिड बो, फॉरहेड में अप्लाई कर लूँगी। जिस जिस पोर्शन को मुझे इन्हेंस करना है फेस का, वहाँ वहाँ अप्लाई कर लूँगी और कंसीलर ब्रश के हेल्प से मैं ब्लेंड कर ले रही हूँ। आप लोग देख सकते हो बहुत ईजिली ब्लेंड हो जाता है। अब मैंने लिया ईबा का लिप एंड चिक टिन इन द शेड टाइमलेस मोजा। इसे मैं अप्लाई करूँगी एज अ ब्लश, आप लिप में भी अप्लाई कर सकते हो। ये डार्क टू मीडियम स्किन टोन का है, मेरा स्किन टोन मीडियम है और ये बहुत ईजिली ब्लेंड हो जाता है और एक नेचुरल सा फिनिश देता है, आपको लगेगा ही नहीं कि आपने ब्लश अप्लाई किया है। तो इसे भी मैं हाईली रिकमेंड करूँगी, अगर आप मीडियम टू डार्क स्किन टोन है तो परचेस कर सकते हो। अब मैं ली हूँ के ब्यूटी का ट्रांसलूसेंट पाउडर। इससे मैं कर रही हूँ बेकिंग और अपना मेकअप को सेट। इसे मैं अपना अंडर आई में अप्लाई कर रही हूँ पाउडर ब्रश के हेल्प से। मैंने बहुत ही कम अमाउंट में पाउडर ली हूँ, देख ही सकते हो, ताकि कोई क्रीज लाइन ना बने। आपको जहाँ जहाँ स्वेटिंग होता है वहाँ वहाँ अप्लाई करें। ये बहुत ही बटरी फिनिश पाउडर है, मतलब आपको लगेगा ही नहीं, कोई ड्राइनेस फील नहीं होगा, हैवीनेस फील नहीं होगा। फिर मैंने स्पूली के हेल्प से अपने ब्राउ को कोम कर ले रही हूँ। अब मैंने डार्क ब्राउन शीट पिक की हूँ आई शेडो पैलेट में से। इससे मैं अपना ब्राउ को ड्रॉ कर ले रही हूँ एंगुलर ब्रश के हेल्प से। आप लोग देख ही सकते हो मैंने वन साइडेड का ब्राउ को ड्रॉ कर चुकी हूँ, मैं अदर साइड ब्राउ को भी ड्रॉ कर लूँगी। फिर मैंने सेम कंसीलर को लिया अपना आईलिड पर अप्लाई किया ताकि मेरा आई मेकअप एंड मेरा ब्राउ अच्छे से इन्हेंस हो। अब मैं इसे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी कंसीलर ब्रश के हेल्प से। गाइस, अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मैं ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो मेकअप से रिलेटेड शेयर करते रहूँ। छोटू से बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे वीडियो का अपडेट आप लोगों को मिलता रहे। फिर मैंने इसे सेम ट्रांसलूसेंट पाउडर से सेट कर लियो ताकि कोई क्रीज लाइन ना बने। अब मैंने के ब्यूटी का काजल ली हूँ, इसे मैं एज अ आईलाइनर ड्रॉ कर लूँगी। ये बहुत ही क्रीमी टेक्सचर में है और मतलब अप्लाई होने के कुछ सेकंड बाद ही ये एकदम ड्राई हो जाता है। इसे मैं अच्छे से स्मच कर ले रही हूँ। ये स्मच प्रूफ काजल भी है तो आप इसे डेफिनेटली परचेस कर सकते हो, मतलब आपको सोचने की जरूरत नहीं है। उसके बाद मैंने लिए के ब्यूटी का ग्रीन पेंसिल आई शेडो, इसे मैं सेम काजल के ऊपर अप्लाई कर लूँगी अपने आईलिड पे और इसे भी मैं स्मच कर लूँगी।
आप लोग देख ही सकते हो मैं सर्कुलर मोशन में स्मज कर ले रही हूँ। उसके बाद मैंने ये पैलेट में से आई शेडो पैलेट में से एक शिमरी सा ब्लू शेड पिक की हूँ। इसे मैं ग्रीन के ऊपर फिंगर के हेल्प से डैप डैप करके अप्लाई कर लूँगी ताकि मेरा साड़ी का कलर से मैच हो जाए मेरा आई शेडो। गाइस आप लोग देख ही सकते हैं ग्लैमरस आई मेकअप अचीव हुआ है। ये मैंने लाइट ब्लू शेड शिमर जो था पैलेट में सप्लाई की हूँ। उसके बाद मैंने सेम की ब्यूटी का काजल को मैं अपने लोअर लैश लाइन में अप्लाई करूँगी वाटर लाइन में। इसे भी मैं अच्छे से स्मच कर ले रही हूँ। स्मच करने के बाद मैं फिर से काजल को अप्लाई कर लूँगी अपने वाटर लाइन में। अब मैंने एक लाइट ब्लू शेड ली हूँ, इसे मैं अपने काजल के नीचे अप्लाई कर ले रही हूँ, अच्छे से ब्लेंड कर ले रही हूँ। उसके बाद मैं एक सिल्वर सा शिमर शेड लूँगी सेम पैलेट में से, इसे मैं अपने इनर कॉर्नर में अप्लाई कर ले रही हूँ क्योंकि मेरे साड़ी में भी सिल्वर सा कलर है। उसके बाद मैंने लिया ये मेबलिन का हाई स्काई मस्करा। गाइस मैं अपने लैशेज को कर्ल करना भूल गई तो मैंने लिया लैश कर्लर, इससे मैं अपने लैशेज को कर्ल कर लूँगी। उसके बाद मैं अच्छे से मस्करा को अप्लाई कर ले रही हूँ 1-2 coat अपर लैशेज में, लोअर लैशेज में भी अप्लाई कर ले रही हूँ सेम मस्करा को। अब मैंने PSC का सेटिंग स्प्रे ली हूँ, इसे मैं अपना मेकअप को सेट कर लूँगी पूरे फेस में स्प्रे करके, फिर मैं कुछ सेकंड के लिए छोड़ दूँगी ताकि मेरा सेटिंग स्प्रे अच्छे से ड्राई हो जाए। फिर मैंने स्विस ब्यूटी का लिप लाइनर लिया इन द शेड पिंक, इसे मैं अच्छे से लिप लाइन ड्रॉ कर लूँगी। मैंने ये लैक्मे का लिपस्टिक को अप्लाई किया है डॉट डॉट करके फिंगर के हेल्प से ब्लेंड की हूँ क्योंकि मुझे उतना ब्राइट मतलब कलर नहीं चाहिए था, बहुत सटल सा कलर चाहिए था। और गाइस मैं ये वीडियो भी रिकॉर्ड करना भूल गई थी क्योंकि मेरे फ़ोन का बैटरी भी डेड हो चुका था। अब मैंने लिया मेकअप रेवोल्यूशन पैलेट में से पिंक हाइलाइटर, इसे मैं अपने चीक बोन्स में अप्लाई कर लूँगी, नोज ब्रिज में अप्लाई कर लूँगी एंड अपने चिन में फॉरहेड में भी अप्लाई की हूँ थोड़े बहुत। उसके बाद मैंने ये एक डार्क शेड लिया है, उतना भी डार्क नहीं, इसे मैं नोज़ को कॉन्टोर की और कुछ नहीं, मैंने फेस कॉन्टोर नहीं किया। आप लोग देख ही सकते हो मेरा मेकअप कैसे टर्न आउट हो चुका है। मैं कर ली अपना हेयर स्टाइल, आगे से ट्विस्ट पीछे से लो पोनी, आप लोग देख ही सकते हो मेरे लुक में यही अच्छा लग रहा है ज़्यादा। अब मैंने लिया एक्सेसरीज में जेवरी पर्ल का ये एक्सेसरीज जिसमें नेकलेस एंड इयररिंग है सिल्वर डायमंड शेड का, मतलब डायमंड टाइप का इयररिंग है, आप लोग देख ही सकते हो मेरा मेकअप को चार चांद लगा दिया है बस ये इयररिंग ने। उसके बाद मैंने ये नेकलेस को भी मतलब लगा लूंगी। गाइस ये नेकलेस मैं देख रही हूँ लेकिन मुझे लग रहा था बहुत हैवी लुक आ जा रहा है इसलिए मैंने अपने लुक को थोड़ा सिंपल ही छोड़ दिया है। अब मैं फॉल्स लैशेस भी अप्लाई कर ली हूँ और मैं फिर से कर्ल कर लूँगी अपने लैशेस को। अब मैंने ले लिया सिल्वर वॉच, इसे मैं अपने हाथ में पहन लूँगी। आप लोग देख ही सकते हो मेरा फेस और मेरे बॉडी से मेरा हाथ बहुत ज़्यादा डार्क है क्योंकि मैं स्कूटी राइड भी करती हूँ तो बहुत ज़्यादा टैनिंग पड़ जाता है। और आप लोग देख सकते हो कि एक मतलब वॉच पहन लेने से एक स्मार्ट सा लुक आ जाता है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। अब मैंने दूसरे हाथ में सेम नेक चेन को लगा ली हूँ। गाइज यू कैन सी माई फाइनल लुक। सेकंड ये हेयर स्टाइल की थी मिडल पार्टीशन करके पफ करके ब्लू पोनी सेम। आप लोग बताइए कमेंट में कौन सा हेयर स्टाइल ज़्यादा अच्छा लग रहा है।